फिल्म की शुरुआत होती है कहानी के हीरो को दिखाने से जिसका नाम मेसन है जो एक आर्मी ऑफिसर है और वो हमें अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं हमेशा से बेहतरीन रहा हूँ जिंदगी के हर मैदान में और मैंने कई सालों तक आर्मी में काम करके मुल्क की खिदमत की मैं अपनी टीम का सबसे बेहतरीन ऑफिसर था ये नाम बनाने और एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए मैंने बहुत सब ट्रेनिंग ली थी काफी सारी कामयाबी हासिल करने के बाद मैंने अपनी दोस्त ऐसी शादी कर ली जिसको मैं पसंद करता था हमारी एक बेटी पैदा हुई जिसके बाद में अपनी टीम के साथ एक पर गया जहाँ हमने दूसरे मुल्क की प्रेसिडेंट जिसका नाम जवान है उसे मारना था इसीलिए हम उसकी मुल्क पहुँचे उसका सफाया करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए जब हम नीचे जा रही थी तो अचानक हम पर हमला हो गया हेलीकॉप्टर धमाके ऐसी तबाह हो गया और मेरे सभी साथी मारे गए अब हेलीकॉप्टर के जरिए मैं नीचे आया इस हादसे में मेरी जान तो बच गयी पर आज तक मैं उस दुख ऐसी बाहर नहीं आ पा रहा मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ क्यूँकी एक तरह मैंने जैसे अपनी जिंदगी का मकसद ही खो दिया है ये सारी बातें बताते हुए हमें मेसन दिखाया जाता है जो काफी दुखी लग रहा था वो अपना आर्मी वाला सामान देख रहा था फिर वो खुद को संभालता है और बाहर आकर अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है जो अब कुछ बड़ी हो गई थी अब मेसन अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस गया जहाँ एक आदमी अपना केस लेकर आया हुआ था कि मेरी वाइफ का हमेशा मुझसे झगड़ा रहता है और अब क्यूँकी मेसन वकील का, का काम करता है तो वो उसे सारी बात समझा कर वहाँ ऐसी भेज देता है पर वो अपने इस काम से खुश नहीं था अकेला जब था तो सर पकड़ के बैठ जाता है क्यूँकी वो अपने आर्मी वाले दिन याद कर रहा था अब तभी यहाँ मेसन का एक साथी जो उसका काफी अच्छे दोस्त भी था उससे मिलने आया ये दोनों आर्मी में भी साथ हुआ करती थी काफी अच्छे से ऐसी मिलते हैं और उसका साथी मेसन को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है जिसके बाद वो उसे अपनी एजेंसी में ले आया मेसन का साथी उसे बताता है की ये मैंने सिक्योरिटी एजेंसी बनाई है जिसमे मैं दुनिया भर के तमाम लोगो को सिक्योरिटी देता हूँ जो हमसे लेना चाहते है पर अब मुझे यहाँ एक खास आदमी की तलाश है मेसन पूछता है किसकी इस पर वो जवाब देता है की तुम्हारी वजह पूछने आरोप उसका साथी बताता है की हमारे यहाँ ऐसी एक रिपोर्टर दूसरे मुल्क जा रही है प्रेजिडेंट जुआन का इंटरव्यू लेने के लिए और मैं चाहता हूँ तुम उस रिपोर्टर की गार्ड बन के वहाँ जाओ जिस पर मेसन ने मना कर दिया ये कह कर के सोच मैं ये नहीं कर सकता उसका साथी कहते है जानता हूँ ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल है पर इसके बदले मैं तुम्हें बीस हजार डॉलर दूंगा ज्यादा काम भी नहीं है तुम्हें ये इंटरव्यू बस एक दिन में खत्म करके वापिस आना होगा अब मेसन टीवी पर चल रहा प्रेजिडेंट जुआन का इंटरव्यू देखता है जिसमें वो कहता है हमारे मुल्क में दूसरे मुल्कों के जो दुश्मन लोग आएंगे गुंडे और टेररिस्ट दहशत वगैरह तो हम उन्हें खत्म कर देंगे जिस उनके मेसन पूछ तो फिर हमें भी इसे क्या खत्म करना होगा उसका साथी कहते है की नहीं बस इंटरव्यू लेना है और कुछ घंटों के बाद वापिस आ जाना है हमें जानता हूँ की तुम्हारे सारे ग्रुप को इसी ने ही मरवाया है इसीलिए भी तुम नहीं जा रहे पर इतना मत सोचो काम तो काम ही है जिस पर मेसन मान गया वो पूछता है अच्छा मुझे किसको साथ लेकर जाना है उसका साथी बताता है कि फीमेल रिपोर्टर को जो काफी मशहूर है जिसके बाद हमें वो रिपोर्टर दिखाई गई जहाँ उसे अवार्ड दिया जा रहा था पर अगले ही दिन मीडिया पर उसकी काफ़ी बेइज्जती भी की जाती है कि ये अपनी रिपोर्ट में अक्सर छोटी आती है और ये सारा इंटरव्यू मेसन भी देख रहा होता है घर आकर मेसन तैयारी करता है और जब निकलने लगा तो उसकी वाइफ पूछती है की तुम कहाँ जा रहे हो मेसन बताता है की मैं एक दिन के लिए अपने सिक्योरिटी के काम आरोप जा रहा हूँ उसकी वाइफ उदास होते हुए कहती है की तुम काफी बदल गये हो हमें टाइम नहीं देते और पहले की तरह प्यार भी नहीं करते अब अगर जा रहे हो तो जिस तरह पहले थे वैसे लौट कर आना जिसके बाद मेसन यहाँ से निकल गया और आकर रिपोर्टर से मिलता है फिर जब ये दोनों प्लेन में बैठे थे तो मेसन रिपोर्टर की और भी कुछ इंटरव्यूज देखता है जिसमें कुछ मजाक वाली भी थी उसे काफी पसंद आई वो देख ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ रिपोर्टर आ गई पूछती है कि अभी भी मेरे इंटरव्यू देख रहे हो कहीं तुम तो मुझ पर नजर तो नहीं रख रही मिसन जवाब देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं वैसे देख रहा था कि तुम कैसे काम करती हो रिपोर्टर कहती है की तुम क्या सोचते हो मुझे या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो काफी मशहूर हूँ क्यूँकी मैंने काफी बड़े बड़े इंटरव्यू लिए हुए हुई और मैं दुनिया के सामने सही और गलत चीजें लेकर आती हूँ जिसके बाद ये दोनों अपनी मंजिल दूसरे मुल्क पहुँच गयी और प्रेसिडेंट आकर मिसन और रिपोर्टर से मिलता है उसने रिपोर्टर की काफी तारीफ की जिसके बाद ही लोग गाड़ी में बैठ कर यहाँ ऐसी निकलने लगे यहाँ प्रेसिडेंट जॉन के साथ काफी बड़ी सिक्योरिटी थी वो इन लोगों को बताता है की इस शहर के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं अब जोन और रिपोर्टर तो बातें कर रहे थे जबकि मेसन इनकी बातें सुनकर बोर हो रहा था पर तभी अचानक यहाँ एक के बाद एक धमाके होना शुरू हो गयी जिसमे जोन की सिक्योरिटी की गाड़ियाँ उड़ने लगती है काफी बड़े बड़े धमाके हुए और उसकी बहुत सारे लोग मारे गए ये देखकर वो तीनों काफी घबरा गयी मेसन तो जैसे सुनी हो गया की तभी सामने से टेररिस्ट जो गुंडे थे वो आकर इनकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगते हैं जो देख तभी मेसन होश में आया और जल्दी से आ गई फ्रंट सीट पर आकर गाड़ी को चलाने लगता है रिपोर्टर को वो पीछे भेज देता है अब जो जो गुंडे उसके सामने आ रहे थे ये गाड़ी देख मार रहा था और ऐसे इसने बहुत सारे गुंडो को मार दिया फिर गुंडो की एक और गाड़ी सामने से आने लगती है जिसके अंदर मेसन जोर से गाड़ी देखकर मारता है गुंडे बाहर आकर गिरी गाड़ी लगने से वो जख्मी हो गयी और उनकी मौत हो जाती है सबको खत्म करने की बात ये गाड़ी से उतरी जहाँ पर जवान और रिपोर्टर मेसन की लड़ने की महारतों को देख काफी हैरान रह गयी जुआन तो उसकी काफी तारीफे करता है की तुम बहुत बहादुर हो तुम वन मैन आर्मी हो यानी की अकेला ही दुश्मन की बड़ी टीम आरोप भारी पड़ सकते हो मेसन को अच्छा तो लगा पर वो कहते हैं की जल्दी करो इन बातों का टाइम नहीं हमें यहाँ ऐसी निकलना चाहिए फिर वो जुआन को भी कहता है कि ये तुम्हारे ही किसी आदमी का काम लग रहा है रिपोर्टर काफी एक्साइटेड और जोश हो गई कहती है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है प्रेसिडेंट पर हमला हुआ है और मुझे कैसे भी करके ये इंटरव्यू लेना है मिशन कहते हैं कि सबसे पहले हमारे जान बचना जरूरी है हम यहाँ से निकल जाए फिर कर लेना इंटरव्यू जिसके बाद ये पैदल ही आगे बढ़ने लगती है जंगल में आकर मेसन अपने साथी को कॉल करता है उसे बता देता है कि हम पर हमला हुआ है और इस वक्त हम जंगल में फंसे हुए हैं उसका साथी कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो जन की टीम होगी ना वो तुम्हारी मदद कर देगी इस पर मेसन उसे बताता है की वो तो सारे मारे गए हैं ये सुनकर उसका साथी काफी हैरान रह गया कहता है की कुछ देर तक मैं अपनी टीम भिजवा दूंगा वहाँ पर मेसन के पास फोन देकर जोन उससे फोन मांगता है जिसके बाद हम जोन के भतीजे को देखते हैं जो तैयार हो रहा था क्यूँकी उन्हें तो यही लग रहा था की हमले में जवान मारा गया होगा और अब उसका भतीजा उसकी ही जगह लेने की तैयारी कर रहा था क्यूँकी वो हमला जवान पर इन्होंने ही करवाया यहाँ पर जनरल भी आ जाता है जो पूरी आर्मी को कंट्रोल किया करता था वो यहाँ जॉन के भतीजे की तारीफ करता है और फिर तभी उसके पास जॉन की कॉल आई उसके जिंदा होने का पता चलते ही भतीजा काफी परेशान हो गया वो पूछता है कि आप लोग कहाँ पर हो जॉन उसे बताता है कि मैं जंगल में फंसा हुआ पर यहाँ मेरे साथ एक काफी बहादुर आदमी भी है जो अकेला ही दुश्मनों पर भारी पड़ सकता है उसका भतीजा कहता है की अच्छा वही रहे मैं अपनी टीम को वहां भेजता हूं। कॉल बंद होने के बाद जनरल जुआन के भतीजे को कहता है कि इस बार वो बचना नहीं चाहिए उधर जुआन उन दोनों को बताता है कि मेरा भतीजा अपनी टीम को भेज रहा है तो हमें यही रोक कर उनका इंतजार करना चाहिए ये सुनकर मिशन कहता है की मुझे तुम्हारे लोगों आरोप यकीन नहीं तो हम तुम्हारे साथ यही रोकने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकती जो कहकर मिशन रिपोर्टर को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है रिपोर्टर उसे कहती है की ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है मुझे जॉन का इंटरव्यू लेने दो मिशन उसे समझाता है कि जुआन खुद भी बहुत खतरनाक है और दूसरा उसकी जान को भी खतरा है ऐसे हम भी मुश्किल में पड़ सकते हैं रिपोर्टर गुस्सा करने लगती है कि मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता मेरा कैरियर डूब रहा है मैं अगर जो का इंटरव्यू लेती हूँ तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात होगी मेसन कहते हैं अच्छा अगर दोबारा मौका मिला तो कर लेना इंटर। और अब जब ये आगे बढ़ रहे थे तो इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है जो दोनों को देखते ही इन पर हमला कर देती है ये जल्दी से जंगल में भागने लगी और एक जगह रुक कर मेसन अपने डर पर काबू पाता है वो स्नाइपर गन को हेलीकॉप्टर की तरफ करके अपना निशाना सेट करता है और शूट करके पूरा हेलीकॉप्टर ही उड़ा देता है जिसके बाद वहाँ एक गुंडा आकर चुपके ऐसी आगे बढ़ने लगा इन पर हमला करने के लिए आरोप मेसन पीछे ऐसी आकर उसे पकड़ लेता है उसका गला घोट जान ऐसी मार डालता है लेकिन अब एक और गुंडा आकर मेसन को पकड़ उस पर गन तान देता है इससे पहले वो शूट करता पीछे ऐसी जवान आ गया वो गुंडे के सीने आरोप गोले चला उसकी जान ही ले लेता है गन देकर मेसन जवान ऐसी पूछता है की तुम्हारे पास ये गन कहाँ ऐसी आई जवान ने कहा कि ये तो मेरे पास हमेशा होती है हिफाजत के तौर पर मैं इसे अपने पास ही रखता हूँ थोड़ी ही देर में जॉन का भतीजा भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और अपनी टीम के हेलीकॉप्टर की बुरी हालत देख उसे काफी गुस्सा आ गया जहाँ उसने इस मुल्क के बड़े गुंडे इन्हीं गुंडों के हेड ऐसी हाथ मिला लिया था ताकि वो फिर ऐसी उसकी अंकल जॉन आरोप हमला करके उसका काम तमाम कर सके गुंडो का हेड जॉन के भतीजे ऐसी कहता है की मैंने पहले भी काफी सारे लोग उसे मारने के लिए भेजे थे तुम्हारे कहीं मुताबिक आरोप सारे मारे गए और अब मैं दोबारा उसे मारने के लिए अपनी बड़ी टीम भेजूंगा ये काम मेरा है मुझे अपने तरीके से करने दो इसमें दखल अंदाजी मुझे जरा पसंद नहीं आ रही जिस पर जॉन का भतीजा मान जाता है उधर रिपोर्टर मेसन को कहती है कि तुम काफी अच्छी हो मैंने तुमसे गुस्से में बात की उसके लिए माफ करना मेसन उसे बताता है कि मैं तो पहले भी यहाँ आ चुका हूँ जहाँ पिछली बार मेरी पूरी टीम ही मारी गयी थी और अब मैं अपनी फैमिली ऐसी दूर होकर उन्हें अकेला छोड़ इस मिशन आरोप आया हूँ उन्हें लगता है की मेरी तवज्जा नहीं उन पर मैं उनसे प्यार नहीं करता जबकि ऐसी कोई बात नहीं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ उनकी फिक्र करता हूँ आरोप इस बात को वो नहीं समझती और उनकी इन बातों की वजह ऐसी मेरा काम आरोप ध्यान नहीं मैं कार होता जा रहा हूँ रिपोर्टर कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारा साथी मेरा भी दोस्त है उसने मुझे कहा था कि तुम बेहतरीन इंसान हो उसने सच कहा था तुम बहुत अच्छे हो जो सुनकर अब मिशन का मूड थोड़ा अच्छा हुआ वो खुश होने लगता है अब जॉन मिशन और रिपोर्टर को वहाँ से एक गाँव में लेकर गया जहाँ वो पहले रहा करता था वहाँ के लोग इनसे मिलकर काफी खुश हो जाते हैं कुछ देर बाद फ्रेश होकर मिशन रिपोर्टर और जॉन की वीडियो बनाने लगता है जो वो जॉन का इंटरव्यू ले रही थी रिपोर्टर पूछती है की आप पर इतना बड़ा हमला हुआ है किसने किया होगा जिस पर जॉन बताता है कि हमारा मुल्क बेशक छोटा है पर इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी हैं जो जाहिर है बाकी मुल्कों के लिए भी बेहद जरूरी हैं यही वजह है कि दुनिया भर की मुल्क हमारी पावर हुकूमत को अपने कंट्रोल में करना चाहती है तो इस वजह से अक्सर ऐसे हमले हम पर होते रहते हैं जिसमें मेरा मकसद हमेशा एक ही होता है मैं अपने लोगों की हिफाजत करके हर खतरे से उन्हें महफूज रखना चाहता हूँ और जो हमारे मुल्क की चीजें हैं उनसे यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ उनके फायदे के लिए इस्तेमाल करके जिसके बाद वो यहाँ अपने मुल्क की खास चीज के बारे में भी बताता है कि वो एक बहुत कीमती केमिकल है जिसे हम मोबाइल्स कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाली चीजें बनाते हैं और जो बाकी ऐसी चीजें हैं उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है दूसरे तो मुल्कों की हमारे केमिकल पर नज़र है वो हम पर हमला करके हथियारा चाहते हैं मैंने क्यूँकी वो चीजें उन्हें देने ऐसी इनकार किया था इसलिए वो मेरी जान लेना चाहते है उसकी ये बातें मेसन को ठीक लगती है की ये सही कह रहा है सच बोल रहा है और जुआन के सभी साथी उसके लिए काफी खुश होते है नारेबाजी करते है की वो इतना अच्छा प्रेजिडेंट है जहाँ पर मेसन और रिपोर्टर को भी जॉन के लिए काफी अच्छा लगता है और वो भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं रात को जॉन अपने साथियों के साथ पार्टी करता है जहाँ पर वो मेसन और रिपोर्टर को भी काफी इंजॉय करवाता है रिपोर्टर शराब पीकर जॉन के साथ डांस करने लगी और उनको खुश दे मेसन भी उनके लिए खुश होने लगता है अगले दिन मेसन अपने साथी को कॉल करके कहता है तुम यहाँ किसी और को भी तो भेज सकती थी ना तुमने मुझे ही क्यों भेजा जबकि तुम ये जानते भी हो की मैं यहाँ जॉन को अगर चाहूँ तो मार भी सकता हूँ उसका साथी कहते हैं की नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम क्या मारोगे उसे उसकी तो अपने ही लोग उसे माना चाहती है और मुझे कुछ बड़े लोगों से हुक्म मिला था कि यहाँ मैं तुम्हें भेजू और वो सारे बड़े लोग दुनिया के अलग अलग मुल्को ऐसी ये सुनकर मेसन फोन कर देता है जिसके बाद उसने अपनी बेटी को कॉल की उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा उसकी बेटी कहती है डैड आपको जल्द वापिस आना होगा क्योंकि मोम बहुत नाराज है मेसन कहता है जी बेटा मैं बहुत जल्द वापिस आ जाऊँगा तभी फोन पर उसकी वाईफाई मेसन उसे कहता है मेसन उसे कहता है की शुक्रिया हमेशा मेरा और मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए वो भी मेसन को जल्द वापिस आने का कहती है जिसके बाद मिसन जॉन और रिपोर्टर के पास आया कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से क्योंकि इस जगह भी खतरा है अब इससे पहले ये यह लोग यहाँ से निकलते गुंडों का हेड अपने साथियों के साथ यहाँ आ गया वो गाँव वालों को धमकाने लगा मार मार कर पूछता है की जोन गाँव है ये चीज वो तीनों छुप कर देख रहे थे जॉन को काफी गुस्सा आया और वो वहाँ से निकल कर हेड के सामने चला जाता है मिशन को उसकी फिक्र थी इसलिए वो भी अपना घोड़ा लेकर वहाँ आ गया उसने जल्दी से ज्वान को घोड़े पर बिठाया और ये लोग यहाँ से निकल गए पीछे से गुंडों का हेड उन पर गोलियाँ चिल्लाता है पर ये बच निकली अभी तो आजाद थे पर गुंडों की हेड ने रिपोर्टर को पकड़ कर उसे बंदी बना लिया था यहाँ वो रिपोर्टर को कहता है की तुम काफी मशहूर हो पर क्या फायदा अब जब तुम्हारी मौत होगी तो किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चल पाएगा जो सुनकर वो काफी डर जाती है मेसन और जॉन बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे जॉन कहता है कि हम जहाँ भी जाते है वही खतरा आ जाता है जिस पर मेसन कहता है कि तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें मारना चाहते हैं जॉन हैरान नहीं होता बल्कि कहने लगा कि हाँ जानता हूँ और अब हमें यहाँ से डायरेक्ट मेरी ऑफिस वाली बिल्डिंग में जाना होगा फिर उसने ये भी कहा की मैसन तुम्हारी जो पूरी टीम मारी गई थी मुझे उसका भी पता है जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ ये दोनों अब एक काफी बड़े शहर के सामने आ गयी जिसके अंदर ही इन लोगो को जाना था रात के वक्त ये दोनों एक चर्च में जाकर दुआ करते है जिसके बाद जवानिया अपने करीबी दोस्त ऐसी मिलता है उसने बताया की तुम्हारे भतीजे ने जनरल ऐसी हाथ मिला कर, तुम्हारे पूरे ऑफिस आरोप कब्जा कर लिया है जिस पर जुआन कहते हैं की अब हमें कैसे भी करके उस पूरी जगह को वापस हासिल करना है साथ ही रिपोर्टर को भी आजाद करवाना है अब अगले दिन मैसन जब एक जगह पर खड़ा था तो यहाँ गुंडों हेड अपने साथियों के साथ आ जाता है मेसन उसे रिपोर्टर को छोड़ने का कहता है जिस पर हेड गाड़ी से उतरता है और मेसन पर गन तान देता है मेसन ने भी अपनी गन का रुख उसकी तरफ कर लिया था और अब यहाँ मेसन जोन को बुलाता है जो खुद भी सामने आया और अपने साथ शहर के बहुत सारे रिपोर्टर्स को भी ले आया जो सब जवान से बहुत प्यार करती थी उनकी तादाद काफी ज्यादा थी वो गुस्से में आगे बढ़े उन्होंने जगह जगह आग भी लगा दी जो देखकर गुंडो का हेड काफी घबरा जाता है रिपोर्टर एक गार्ड से गन छीन कर उस पर हमला करके आजाद हो जाती है और जान उसे लेकर यहाँ से भागने लगते ये जब आगे बढ़ रही थी तो खुशी से जान उन्हें कहता है कि तुम अपने सबसे बड़े इंटरव्यू की तैयारी करो जो मेरे ऑफिस में होगा चलो मेरे साथ जो कहकर जोन उन्हें केव यानी गार के रास्ते अपने ऑफिस ले आता है जहाँ पर जन का भतीजा बैठा हुआ था वो इसे देख कर भुख ला गया डर कर फौरन खड़ा हो जाता है जोन उसे कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे न ही तुम्हें पावर हुकूमत के लिए मुझे मारने की जरूरत है इसे तुम और मैं दोनों मिलकर चलाएंगे जो सुनकर उसके भतीजे को अपनी गलती का एहसास हुआ वो जवान की गले गणित लगकर उसे माफी मांगता है और अब काफी खुश भी था जहाँ रिपोर्टर मोबाइल में ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगती है तभी यहाँ जनरल आ गया जो जवान के सीने पर गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर गया ये देख कर उसके भतीजे को बहुत गुस्सा आया और अब जवान और वो दोनों मिलकर जनरल को कई सारे शोट करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है वो दौड़ जाके गिरता है बदले में जनरल ने भी काफी सारी गोलियाँ चलाई थी जिसमे जवान तो बच गया क्यूँकी उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जो गोलियों ऐसी हिफाजत करती है पर उसका भतीजा नहीं बच पाता गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है जिस बात से जॉन को काफी दुख हुआ अब इतनी ही देर में सभी सोल्जर्स आकर चारों तरफ से जॉन को घेर लेते हैं उस पर सबने गन्स टाँगी थी जो देखकर कर जॉन उन्हें समझाता है की मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ न की दुश्मन और ये मुल्क तुम्हारा है तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो बल्कि इस मुल्क की हिफाजत करने वाले सोल्जर्स हो तुम्हें सिर्फ गलत ऑर्डर होकर मिले हैं अब तभी पीछे ऐसी गुंडों का हेड अपने लोगों के साथ आ गया जिन्हें देख कर जॉन अपने सोल्जर्स को कहता है कि हमारे दुश्मन तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं अब सोल्जर्स आरोप क्यूँकी जॉन की बातें काम कर गई थी तो वो पीछे मुड़कर गुंडों पर गोलियां चलाने लगते हैं बदले में उन्होंने भी चलाई और इनके बीच काफी गोली बारे छुट जाती है जिसमे कई सारे सोल्जर्स और गुंडे मारे गयी ये हंगामा देखकर मिशन जॉन और रिपोर्टर साइड में हट बैठ जाते हैं और यहाँ मिशन गुंडो को मारने के लिए सोल्जर्स की मदद करता है इसने भी उन पर कई सारे शूट किए फिर जब ये तीनों नीचे आये तो यहाँ भी रास्ते में आने वाले गुंडो को मेसन मारता जाता है उसने गोलियों से भी मुक्कों से भी बहुत सारी दुश्मनों को मार गिराया और ये सारी चीजें रिपोर्टर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है जहाँ वो जॉन के भी साथ साथ वीडियो बना रही थी पर तभी यहाँ गुंडो का हेड आकर मेसन को पीटने लगता है और अब वो मेसन पर भारी पड़ने लगा था वो उसे लिटा कर उसकी गर्दन पर नोकदार हथियार रख देता है इससे पहले मेसन को मारता रिपोर्टर उसके सिर पर हमला करके मेसन को बचा लेती है और गुंडो का हेड जख्मी होकर वहीं गिर गया अब तक मेसन को काफी गुस्सा आ गया था वो बड़ी गन लेता है और सामने आया वो सारे शोर करके दुश्मनों के सभी लोगों को मार गिराता है उसे इतना हिम्मत वाला पाकर और उसकी बहादुरी देकर एक बार फिर जवान और रिपोर्टर काफी दंग रह जाते हैं यहाँ भी सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है कुछ ही देर में यहाँ मेसन के साथी की पूरी टीम भी आ गई जो अंदर आकर